हेलो एवरीवन, मैं हूँ उषा। वेलकम टू देसी मार्टिनी डेली पंच। देसी मार्टिनी की टीम एक बार फिर ले आई है आप सभी के लिए आज की पांच बड़ी खबरें। तो चलिए जानते हैं कौन सी ऐसी खबरें हैं जो आज सुर्खियों में बनी हुई हैं। बॉलीवुड महानायक अमिताभ बच्चन ने मुंबई में एक डुप्लीकेट अपार्टमेंट खरीदा है। इसका एरिया 5000 स्क्वायर फीट से भी ज्यादा है। उन्होंने ये प्रॉपर्टी दिसंबर महीने में ही ले ली थी, लेकिन इसे अप्रैल 2020 में रजिस्टर कराया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस अपार्टमेंट की कीमत 31 करोड़ रुपए बताई गई है और ये टीयर टू बिल्डिंग क्रिस्टल ग्रुप के अटलांटिक प्रोजेक्ट का हिस्सा है। अमिताभ बच्चन की ये प्रॉपर्टी 27वीं और 28वीं मंजिल पर होगी। वैसे बता दें, उन्हें इसके लिए 6 कार की पार्किंग भी दी गई है। इसके अलावा इसी एरिया में डायरेक्टर आनंद एल रॉय और सनी लियोनी ने भी अपने लिए अपार्टमेंट खरीदा है। बिग बॉस 15 के पहले कंटेस्टेंट का नाम सामने आ चुका है। बालिका वधू में गहना का रोल कर चुकी टीवी एक्ट्रेस नेहा मर्दा ने इस बात को कंफर्म किया है कि उन्हें शो के लिए अप्रोच किया गया है। हालांकि उन्होंने अभी शो को हाँ नहीं किया है, लेकिन उनका कहना है कि अगर वो शो में जाती हैं तो जीत कर जरूर बाहर आएंगी। उनका कहना है कि 4 साल से उनको शो के लिए अप्रोच किया जा रहा था, लेकिन अब उन्होंने 5वें साल इस शो को हाँ कहा है, क्योंकि उनको लगता है कि अपने आप को इस शो के लिए प्रिपेयर कर लिया है। फिलहाल वो अपने शो की शूटिंग के लिए एक बायो बबल में काम कर रही हैं, जिसके मुताबिक उन्हें लगता है कि ये बिग बॉस का एक मिनी ट्रायल है और इसलिए उन्होंने अपने आप को इस शो के लिए तैयार कर लिया है। टाइगर श्रॉफ ने बहुत ही धूमधड़ाके के साथ अनाउंस किया था कि उनकी डेब्यू फिल्म हीरोपंती का सीक्वल बनने जा रहा है। हीरोपंती से 2014 में टाइगर श्रॉफ और कृति सेनन ने एक साथ डेब्यू किया था। अब हीरोपंती 2 में टाइगर के ऑपोजिट हैं तारा सुतारिया। लेकिन जो बड़ा सवाल फैंस पूछ रहे थे वो ये कि फिल्म में टाइगर के ऑपोजिट मेन विलन कौन होगा। आज सामने आई रिपोर्ट्स की माने तो मेकर्स ने इस सवाल का जवाब खोज लिया है और नवाजुद्दीन सिद्दीकी हीरोपंती 2 में टाइगर के सामने मेन विलन होने वाले हैं। आपको याद दिला दें कि 2017 में मुन्ना माइकल में नवाज और टाइगर ने एक साथ काम किया था। हालांकि वो फिल्म बहुत चली नहीं थी, पिट गई थी, लेकिन स्क्रीन पर तो कभी भी जादू हो सकता है। तो देखते हैं कि 3 दिसंबर के रिलीज के लिए शेड्यूल्ड हीरोपंती 2 में टाइगर और नवाज क्या तमाशा दिखाते हैं। Biopics have become the flavor of the season, and since the last decade, a number of biopics have been made in Bollywood. Now, on the 138th anniversary of Veer Savarkar, a biopic on this freedom fighter has been announced. Yes, a biopic on Veer Savarkar called Swatantra Veer Savarkar is going to be made. The film would be directed by Mahesh Manjrekar and would be produced by none other than Sandeep Singh and Amit Wadhwan. Mahesh Manjrekar felt that this one is going to be a tough film to direct, but he is up for the challenge. Sandeep Singh said that the life of Veer Savarkar is something that the coming generation should know about, and therefore he is up for making this film. The casting is yet to be finalized. So keep an eye on Desi Martini to know all the latest updates about this. ये थी आज की सबसे बड़ी खबरें। एंटरटेनमेंट से रिलेटेड और भी खबरों के लिए देसी मार्केटिंग को फॉलो करना ना भूलें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।